अरे चलो नौकरी में थी, लेकिन उसके बाद नौकरी छोड़ी हमने भी। उसके बाद हम तैयारी में लग गए, तो क्या मिला, जैसे पेपर दे के आते हैं, सिर्फ खटीमा वालों को सही पता था कि धामी एक नंबर का ऐसा लद्दड़ आदमी है, सही में हंसी दे हैं। इसीलिए उन्होंने। तो चलिए जी, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पपीते तोड़ने से हो रही है, और मैं जा रहा हूँ चाचा के यहाँ, माँ को भी लाना है इस साइड। बाकी आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। और जो मैं एक बार आपको दिखा रहा था ना, कुत्ते के बच्चे बहुत सारे, तो इतने बड़े बड़े कुत्ते के बच्चे हो गए, और उनमें से बहुत से कम कुत्ते के बच्चे बचे। सब दूध भी दिया, मतलब सब चीज़ें की उनके लिए, लेकिन तब भी वो मतलब बचे नहीं। आज है बाजार बंद यानी बृहस्पतिवार। और क्या हाल चाल, क्या कर रहे हो तुम? गेम खेल रहे। क्यों खेल रहे हो? खेलना है। तो दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ चाचा और के यहाँ, अब थोड़ी देर बाद माँ को ले जाएंगे उस साइड। बाकी ये रही माँ, और क्या हाल चाल? ठीक हाल चाल है ना। हाँ, और कैमरा में कई दिन बाद आनी चाहिए। हैं ब्रेक दबा दियो बस, है ये वाले ब्रेक दबाने सीख जा। चल स्टार्ट कर। हाँ चला चला चला। हाँ, थोड़ा स्पीड दे। हाँ, थोड़ा स्पीड, एक ही उसमें रख दे। बस 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 बस, हाँ चला चला, स्पीड दे थोड़ा। हैं बस, चल दूसरे दिन चलाना। तो अभी मैं जा रहा हूँ इनको ट्यूशन छोड़ने के लिए, और आजकल रक्षित सीख रहा है स्कूटी, तो इसको भी सिखाएंगे। आगे बैठना, तू आगे बैठता है। आंटी बोल रहा, गजब बेइज्जती है। मेरे पकड़ दे वहाँ। तो चलिए जी चलते हैं, माँ को भी बैठा दिया स्कूटी में, अब चलते हैं। और माँ एक तरफ बैठती है तो थोड़ा, तब क्या होता है, एक तरफ झोंक लेती है स्कूटी। तो दोस्तों घर भी हम पहुंच गए, अब भैया और भाभी का रिएक्शन देखते हैं। टडन टडन टन टन टन। आते ही सीधा कब्जा अपने बिस्तर पे। हाँ अबे, खटीमा वालों को सही पता था कि धामी एक नंबर का ऐसा लद्दड़ आदमी है, सही में हंसी दे, इसीलिए उन्होंने इसको हराया। खटीमा वाली जनता बिल्कुल सही, उस टाइम तो लोग समझे नहीं, मोदी जी ने भी सोचा चला नया लड़का है दे दो मौका। और हर चीज़ में एक चीज़ मेरे को, मैं हमेशा से बोलता हूँ शुरू से ही, कुछ भी चीज़ हो बस मोदी जी के विजन पे काम कर रहे हैं हम, मोदी जी के विजन पे। क्या अभी युवाओं का जो ये हाल है वो भी मोदी जी का विजन है क्या, ये पूछना चाहिए सरकार को, अभी लोगों को, जो भी जितने भी भाई, हम भी कितने तीन तीन चार साल से हम भी तैयारी कर रहे हैं, पर लेकिन पिछले एक साल से तो फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले चलो नौकरी में थी, लेकिन उसके बाद नौकरी छोड़ी हमने भी, उसके बाद हम तैयारी में लग गए। तो क्या मिला, जैसे पेपर दे के आते हैं, श्रीनगर पेपर पड़ा था, घर भी नहीं पहुंचा उससे पहले आ गया कि पेपर लीक हो गया। तो ऐसे में क्या ही, अरे इनको क्या पता मतलब घर की स्थिति क्या है क्या है। हाँ। इतने सारे युवा हैं, उनके भाई घर की स्थिति बहुत खत्म है भाई। ऐसे में मनोबल, मैं जैसे पढ़ने के लिए बैठा हूँ तब तक भी वापस ही कह रहे हैं पेपर लीक ना हो जाए, पेपर नहीं। फिर ऐसी मतलब ये है कि अभी जो 8 तारीख के बाद और ये परसों जो पेपर है, इस बीच में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है। और जेई वाला जो उसमें, हाँ। एक हमारे गांव का एक का सिलेक्शन हुआ था यार। हाँ। हमें पता है भाई कि उसने कितनी मेहनत की है। सभी तो ऐसी होते हैं भाई, सभी ऐसी होते हैं कि अपनी मेहनत। सही में मुझे तो बहुत दुख हुआ, मतलब ये था कि अभी तक हम इधर उधर का सोचते थे तो मतलब कि थोड़ा बहुत तो दुख तो होता ही था, लेकिन जब अपने अगल बगल होता है
तब पता चलती है यार उसकी पूरी जो अहमियत होती है ना, पूरा सिलेक्शन हो गया था उसके बाद। अब वही तो सारे जो, अरे सब सब नेता ये सब चोर होते हैं, सब नेता चोर हैं, वो बस इनको बस अपना पैसा कमाने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं, बस जनता गई भाड़ में और मतलब लाठियां चला दी यार, मतलब हद है। पहले तो मैं सोच रहा था क्या पता, धरना चल रहा था। हाँ पहले मैं सोच रहा था कि दिक्कत नहीं थी, पहले मुझे लगा था कि क्या पता इन्होंने उसके वो किया होगा कुछ हंगामा किया हो, लेकिन उन्होंने हंगामा हंगामा कुछ भी नहीं किया उसका। मैंने 28 मिनट या 30 मिनट का किसी एक न्यूज चैनल ने लाइव वीडियो डाल रखा था यूट्यूब पे, वो देखा मैंने। उसमें सिर्फ वो बोला, जब उन्होंने पुलिस ने बोला कि आपने ये रोड यहाँ पे रोड को जाने दो, उन्होंने एक तरफ का ट्रैफिक छोड़ जान बंद खुला था, हाँ। एक तरफ का बंद कर रखा था अभ्यर्थियों ने, तो बॉबी पवार ने ये बोला जो अध्यक्ष है उसका, हाँ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, तो उसने बोला कि भाई सिंपल सी बात है कि आप एक काम करो, अगर 10 मिनट में हम खाली कर देंगे, पर 10 मिनट में आप हमारे जो भी मांगे वो मान लो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको क्या हमारे पर क्या झेलने से डरते हैं क्या? और वही है मुख्यमंत्री, वो हैंडसम मुख्यमंत्री का खिताब दिया गया कि किस बात का हैंडसम, हैंडसम हाँ है? अभी अभी कुछ उसको ऐसे मिला, किस बात का हैंडसम भाई? जी हाँ सब फर्जी, सब फर्जी। वही तो कुछ भी, जो एक लड़का बिल्कुल हताहत हो गया था उसके मेरे को लात दूत भी या डंडे डंडे पड़ गए थे, तो बिल्कुल बेहोशी सी छाई गई थी उसमें, तो उसको फिर पीछे से एक पुलिस वाला उसको फिर पीछे से थपकी दे रहा था, मतलब उसको ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा उसको सहारा दे रहा था कि उठो उठो। फिर एक लड़के ने उसको उठाया ऑटो में लेके, फिर एक लेडी पुलिस वाली भी ने कि ठीक है ये क्या है कि इसको दून हॉस्पिटल लेके जाओ के ऐसे। मेन है कि जो ऊपर बैठे हैं ना, हाँ तो मेन तो ये है कि जब जैसे आदेश उनको मिल गया भाई पुलिस ने तो क्या ही करना ऊपर से फोर्स है भाई। हाँ पुलिस मेन है कि ये जो बैठे हैं ना, ये मेन जो ये धामी है, धामी नीचे के जो ये चेले ये सब एक ही जैसे हैं। सही बोला कि खटीमा वाले भाई जान गए थे, हाँ खटीमा वालों ने इसीलिए इसको किनारे किया कि भाई इसका बस का कुछ नहीं है, हाँ सही फेंको। लेकिन ये कि किसको पता था कि ये सही में इतना नकारा है, हाँ सही में बहुत बुरे हाल कर दिए भाई, धाकड़ नहीं एकदम लद्दड़ धामी। हाँ बताओ यार इतने बच्चे इतने साल से मेहनत कर रहे हैं क्या मिला है? कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोला मैं, दे तू हमारे हाथों पाला तो कुछ भी नहीं चल है, क्या क्या आ चाहो कुछ अच्छे? हाँ छे थे क्या अच्छे? कमला फूल, कमला फूल का भी आ रहा है कुछ अच्छा मुंह कोई नहीं तो सारे अब तो नहीं नहीं कहता ना ना तो हमको कुछ रो योजना नहीं दुनिया को रात को नहीं हमको रात है पूरी है कि रोड भी से ना रोग नहीं आना हो, रोड भी ना कोई सुविधा ना पैन भी नहीं चल, नौकरी चाकरी भी कुछ नहीं चल, ठेली ठोली लगाते हैं सबसे अच्छा, चाय पानी बेचते हैं सही, पकोड़े बेचेंगे। हाँ तो ऐसे में तो यही करना पड़ेगा, सही बात है भाई, अब ऐसे में कौन भरोसा करेगा यार, मतलब बड़ी दुकान खुली थी दुनिया तुम्हारी दुकान में नहीं जा आई ना, शर्म भी नहीं आती ना, मेन दिक्कत ये है यार। फकत तो बोला पेपर 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 तब बेटे का ना सीना कुछ रोज का ना पेपर पेपर जो है ली करो तब धन से कहीं नाक नहीं है कहीं सुन नहीं है। बताओ यार मतलब भ्रष्टाचार पे प्रहार करने के बजाय यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उन पे प्रहार किया जा रहा है यार, हद है यार। तो भाई जितने भी वीडियो क्रिएटर हैं मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो भाई ऐसे टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएं और हैशटैग डालें, और जिससे मतलब ये है कि लोगों तक मतलब वो स्क्रॉल करेंगे तो यही चीज़ें मतलब दिखे, स्टेटस भी लगाओ फोटो भी लगाओ मतलब हर जगह, तब ये सुधरेंगे भाई, जब ये इनके पास जाएगी और ज़्यादा लोग जो हैं वो देखेंगे कि ये इनकी क्या शर्मनाक ये घटना है।